सवाल आपसे, भारत के जो हॉट परस्यूट पॉलिसी है जो म्यांमार में अभी उन्होंने ऑपरेशन किया उसके बारे में है। आप एक बात बताइए, ऑपरेशन हुआ है म्यांमार में, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये भी भारत के पड़ोसी हैं, इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान क्यों परेशान है? नहीं, पहली चीज़ तो यह है कि मुकाबला मैं जनरल हूँ। देखिए, मैं वो है ना, ये तो मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि उनके उसमें है ना रिलीजन में कि अगर एक थप्पड़ लगा तो दूसरी चीख आप दे दें। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। देखिए एक बात बताइए, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो किसी हिंदुस्तानी लीडर ने लिया नहीं, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया, इसका तो ये भी इंटरप्रिटेशन, सर इसका तो ये इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके यहाँ एंटी इंडिया टेररिस्ट हैं और आपको डर है कि हाँ, इंडिया वहां उनको ना पकड़ने आ जाए। देखें जी, टेररिस्ट इन लोगों को जाकर मार सकते हैं बॉर्डर के क्रॉस करके, तो और कहाँ कह रहे हैं वो? अमेरिका में जाने की बात हो रही है क्या? और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्या मतलब? हम बेवकूफ लोग नहीं या नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो आप मान रहे हैं टेररिस्ट है ना आपके यहाँ? नहीं, आप नहीं, कोई नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं कि हम उधर आकर पर सर टेररिस्ट आप को मान ही मारेंगे, रहे हैं कि तो आपके हमने जो, यहाँ मैंने है तो इसमें सिक्योरिटी, कहा अल्लाह हु अकबर, आपकी आए बात का सामने, ये आए भी जरा मायने निकाला जा देखते हैं आप सकता कैसे है। बॉर्डर क्रॉस करके मारते हैं इधर टेररिस्ट, कौन से टेररिस्ट हैं यहाँ और आप कैसे आकर मारते हैं, देखते हैं जरा, मुकाबला हो जाए फिर।